starts from 13 and ends up with 19. You know what I'm talking about. Yes, it's the life of teenage. Happiest, amazing, saddest, lovable, depressed, exciting, lonely, fantastic. All these things, even more than that, we experienced in teenage. Like right from the start, when we were in the 8th standard, हमारे maths वाले सर ने कहा था, Welcome into the age of teenage. हाँ वही टीनेज यार जिसमें हम बहुत सारे दोस्त बनाते हैं उनके साथ यादें भी बनाते हैं ऑफकोर्स जिसमें हम खेलते हैं जोर जोर से हंसते हैं स्कूल में पागलबंदियां करते हैं यहाँ चालू है नहीं यो मैन चाप छोला डबल है तायू टंगू बगल है समोसा कर चोरी जाते हैं फ्रेंड्स के साथ नवे नवे बाल आने चालू होते हैं फेस पे भालू की तरह जवानी फूटने लगती है मुझ का आना मुझ किसी को कम आती है और किसी को भागो भेड़िया रुक जाओ ये तो मेरी मूछ है इतने सारे क्रश बनते हैं लेकिन साला पट्टी उसमें से एक नहीं है वो तो कॉन्स्टेंट ही है जहां हम दुश्मन बेस्ट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड सब बनाते हैं जहां एनुअल फंक्शन में हम हिस्सा लेते हैं फैंसी ड्रेस में हम नया रूप धारण करते हैं अवार्ड फंक्शन में नॉमिनेट होते हैं एग्जाम में बहुत बार फेल और कम बार पास होते हैं लेकिन पास जरूर हो जाते हैं आखिर में और ऐसे पास होते होते पता ही नहीं चलता कब स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में एंटर हो जाते हैं और ये कॉलेज लाइफ ऐसी होती है जहाँ जॉब लाइफ भी अचानक से आ जाती है पता ही नहीं चलता एंड विच इज वेरी टफ सिनेरियो जहाँ तुम पूरा दिन मस्ती में बिताया करते थे और आज वही दिन में तुम घदों जैसे मेहनत करते हो हार्ड वर्क करते हो और जब वो हार्ड वर्क के सामने तुम्हारी पहली सैलरी आती है ना वो भी किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं लगती है तब और फिर जब यही हार्ड वर्क करके तुम थके हारे घर आते हो और तुम्हें कोई ताना मारे तब तो बिल्कुल ही अच्छा लगता है तू क्या कर रहा था मैच देख रहा था केले खा रहा था घंटा करके औलाद और तो और चैटिंग करते करते आधी चैटिंग में तुम अगर सो गए तो बेटा दूसरे दिन गालियां पड़ती है जो कि ऑफकोर्स सब लड़के इग्नोर ही करते हैं यही एंड ऑफ टीनेज में 18-19 साल में तुम एक व्हाइट होल को तराशते हो जिसमें होती है खुशियां मस्तियां गालियां जो कि दोस्तों के साथ ही करते हैं नॉर्मली वो भी संडे को या वीकेंड पे इन शॉर्ट तुम एक एस्केप चाहते हो तुम संडे संडे कैफेज में जाते हो तुम संडे को डेट पे जाते हो तुम छुट्टी मार के कहीं से किसी से मिलने जाते हो ये सब आम हो गया और देखते ही देखते ये सब एक दिन खत्म हो जाता है और 20 आ जाता है एंड ऑफ टीनेज एंड स्टार्ट ऑफ 20s वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ ड्रामेबाज आर्टिस्ट सो आज हम लोग जा रहे हैं मतलब आज तो पता ही है क्या है थैंक यू सो अभी मुझे बुलाया गया है आश्रम रोड पे तो देखते हैं पहले आश्रम रोड पे है क्या क्योंकि मुझे सरप्राइज थोड़ा थोड़ा तो पहले वापस से पता चल गया कैसा दोस्त है यार सरप्राइज नहीं छुपा सकते चलो तो जाके देखते हैं अनबॉक्सिंग माय केक आपको कौन ले रहा है यार Women. चलो लेट्स हैव अ लुक अरे आप स्क्रीन में आ रहे हो प्लीज साइड हो जाओ चॉकलेट मैंने कल तो स्ट्रॉबेरी बोला अरे अरे आराम से अंक अभी हो गए केक आप ही लोगों को खाना है थैंक यू मैम ये रहा मेरे पास ही है तो वो करेंगे ना मैडम को लाइटर नहीं जलाने आ रहा है है रोज रात को तो जलाते हो मैं थोड़ी जलाती हूँ तो जला के दिया जाता है
जब मैं ऑफिस से घर आया तो मुझे लगा कि इन लोगों ने कुछ सरप्राइज प्लान किया, तो मैं वीडियो चालू रखी, लेकिन जैसे ही मैं रूम में घुसा, लाइट चालू करी, कुछ भी नहीं था और आई वॉज लाइक सो शॉक्ड। देखो मैडम केक लेके आई है। इसने फूक तो मारने ही नहीं दी। अब वापस से खा। गाइस, आई डोंट नो हाउ दे हैड प्लान, बट बहुत अजीब सा प्लान करा हुआ है। एक तो टी शर्ट ऐसे पहनी है इसने, ऐसा लगता है कि वाइट पानी से धोई तो कलर निकल गया है। हाँ बोल, वीडियो कॉलिंग पे सब शुक्रिया। तेरे को ऐसा क्यों लग रहा है सब वीडियो कॉलिंग? मैं चाहता था इन लोगों ने वो जगह चूज करी है, शायद मैंने ही इनको कभी बताया होगा, मैडनेस ऑफ महाराजा, जहाँ पे तू बताता है आज की रियल मैडनेस है। ये मैंने बताया हुआ है, अभी एंट्रेंस तो इसकी के कैफे में चलना है कि इस पे चलना है रेस्टोरेंट। एंट्रेंस कहाँ से भी? यहाँ से। ओके, जतिन भाई को एंट्रेंस भी नहीं पता है कहाँ पे है। टी शर्ट लेके आया जाता है मेरे लिए। अरे मैं आज मंदिर ही नहीं गया, सॉरी। और यार ऐसा नहीं, सुबह सुबह तुम आ। अरे सुबह सुबह जतिन एक्चुअली फोन लगा रहा है कि भाई हम एंटर हो गए, लेकिन हमको आने का कहा है क्योंकि जतिन को ही नहीं मालूम है, जतिन पहली बार आया। हाँ मनीष। अरे मैं लेट नहीं आया हूँ, तुम लोग लेट आए हो। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे यार तूने मिक्स कर दिया बीच में बाकी का स्क्वाड। हाँ मैडम बड़ा झूठ बोल लेते हो, मैं तो बाहर हूँ, पापा के कैबिन में हूँ, कल से घुमा रही है सिर। मैडम को यही नहीं मालूम है और रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहे कि एंट्री कहाँ से, जतिन को भी नहीं पता था मेन डोर कहाँ है, उसको तो यही नहीं पता था। बैठे हैं हम 15 मिनट से वेट कर रहे हैं हम लोगों का, फिर नहीं आए। अच्छा वैसे तू कहाँ से आ गई आज? किस लोगों ने कैंसिल किया है तो ये पहुंचे हैं। ओके, ये तीनों मैडम का थर्ड केक है, लेकिन थर्ड केक भी एक ही केक है कि तीन केक है तुम्हारे अलग अलग? मतलब अलग अलग है, मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि एक ए लिखा हुआ दूसरा भी ए लिखा हुआ, फिर ऐसे था ये। भैया भी सोच रहा होगा क्या तीन लड़कियों के साथ एक अकेला ही लड़का आया है। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी आरजू है। मेरी वाली भी इतनी साल जीनी चाहिए फिर। हैप्पी बर्थडे तो विश कर कम से कम रीत जैसे, तू भी अरे इधर विश कर पहले। इन लोगों ने किया देखो यार, मैं देखो रात को 12 बजे किया था, इन लोगों ने 11:59 को किया था। मैंने 11:59 कल किया था, मैंने बर्थडे के दिन सबसे पहले मैंने किया था। 11:59 पे मैसेज आ गया था, जैसे ही मैसेज आता था 12 बिल निकलवाएगा उसका कंपटीशन। क्या ब्लॉग बना रहे हो? अरे नहीं उसके लिए वो पूरा कैमरा खोलना पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आशीष से हाय। गुड मॉर्निंग। हाय बोला। हाय हाय हाय। अभी यू वॉन्ट टू सी योर केक? ऑफ कोर्स। ग्रुप फ्रेम नहीं, किसी और के साथ है। सोच।
नहीं, वो एक साल हो गया, पुराना हो गया। ये कब है? कब तो बताए क्योंकि मेरा वो अब तो टूट गया था। ये हमारा नहीं है, पाउच है, मैं स्कूल नहीं जाता। हरकतें वही करता है। वो भी हो सकता है कुछ। हमको रिटर्न गिफ्ट में दे सकता है तू? हम बात बाट के पहन लेंगे। ने पहना उसका तो किसी को आएगा ही। गोवा वाला है, हमको पहन के गोवा जाना पड़ेगा। यहाँ तक बस इतना, इधर ही हमारा यहाँ तक ही सफर था, आगे अपनी और खुद ही लड़ो। फिर क्या, कितना चाहिए? अभी अभी मेरी तरफ से सब लोगों ने मेरा बर्थडे बहुत जल्दी पूरा करवा दिया, 7 भी नहीं बजे। पौने मतलब 8 भी नहीं बजे है। अच्छा हाँ, नहीं तो देखो कुबेर कौन छोड़ के आएगा। चलो मैडम थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू। चलो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट।